हेलो यूट्यूब, आज होंडा सिटी पेट्रोल का माइलेज टेस्ट एवरेज निकालेंगे आज गाड़ी की, और उसी हिसाब से चलाएंगे कि मैक्सिमम एवरेज निकालेंगे। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है, 98,396 किलोमीटर्स। तो पेट्रोल ऑलमोस्ट ख़त्म है, पहले टैंक फुल कराएंगे, टैंक फुल टू टैंक फुल ही चेक करेंगे, क्योंकि वही बिल्कुल सही क्राइटेरिया होता है। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि इसका जो मीटर है, जो माइलेज दिखाता है, वो कितना एक्यूरेट है, वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट आपको माइलेज शो करेगा। मैं एक बार आपको गाड़ी दिखा देता हूँ। ये है जी होंडा सिटी 2014 VX मॉडल, सनरूफ। हाईवे पे खड़ा हूँ तो हजार्ड ऑन है। ये जी पेट्रोल, अंदर भी देख लो, अनलीडेड फ्यूल, मिनिमम 91 ऑक्टेन मांगता है। ठीक है, तो चलते हैं जी, सीट बेल्ट लगा लेते हैं। गाड़ी स्टार्ट, लेट्स गो। पेट्रोल पंप काफी नजदीक है यहाँ से, पेट्रोल पंप चल के टैंक फुल कराएंगे। आज मुझे कुछ 120 किलोमीटर चलना है, कल भी ऑलमोस्ट इतना ही वापस आना है। तो आपको दोनों टाइम पे मैं दिखाऊंगा कि 120 किलोमीटर पहले में कितना मैं माइलेज देगी। ये एक्चुअली प्योर हाईवे राइड होगी, कोई भी थोड़ा बहुत सिटी ट्रैफिक आएगा इसमें 4-5 किलोमीटर का, तो हम माइलेज ही निकालने की कोशिश करेंगे कितनी निकाल सकते हैं। कम से कम तो कितनी भी नीचे ले जाओ इसको, ऊपर से चेक करना है कि मैक्सिमम कितनी निकालेगी पेट्रोल व्हीकल होने के बाद। और मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसा पेट्रोल व्हीकल हो तो डीजल व्हीकल की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ये आ गया अपना पेट्रोल पंप, ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड पेट्रोल पंप है, तो मैं यहीं से डलवाता हूँ। इनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, इनका 95 ऑक्टेन ही मैं हमेशा यूज करता हूँ। फुल करना अंकल जी, ये वाला डाल दो एक्स्ट्रा। हाँ जी, ऊपर तो कर दो जी। ये तो बढ़िया हो गया अंकल, दोनों काम हो गए। स्लिप दे दो अंकल, पेट्रोल फुल हो गया जी, अब हवा भी करा लेते हैं। हवा का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भाई माइलेज निकालने में। तो अपने जो भी आपकी कंपनी सजेस्ट करती हो, जो भी कार मैन्युफैक्चरर सजेस्ट करता हो, उतना ही प्रेशर अपनी गाड़ी के टायर्स में रखें, उसके बाद ही आप माइलेज अच्छी निकाल पाएंगे। तो भाई मैंने खुद ही हवा भर ली है, मैंने क्यों परेशान करें किसी को। 35 पे भरी है चारों टायर्स में, ये हो गया जी टैंक फुल। एक्स्ट्रा प्रीमियम 103.83, 35 लीटर 64 मिलीलीटर, 3700 रुपये।
ये आज की डेट 15/11/23, आप देख सकते हैं ऑडोमीटर, और ट्रिप को हम ज़ीरो कर रहे हैं, ये होगा ट्रिप ज़ीरो, ठीक है, 98,397। अब निकलते हैं जी टूर के लिए, थोड़ी देर बाद मैं आपको अपडेट देता हूँ। तो इस हाईवे माइलेज रन का हीरो रहेगा वो होंडा का इंजन तो है ही, 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, बट ये भाई हीरो है, और ये ही करामात करता है जब माइलेज निकालने की बात आती है। तो आपको दिखाता हूँ क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो जी ये टोल गेट का साइन आ गया है, फर्स्ट टोल आया है, निकलते ही लगा लीजिए 3 किलोमीटर्स के बाद, और अभी गाड़ी आपको दिखा रही है 19.7 किलोमीटर्स पर लीटर, बिकॉज ये प्योरली हाईवे रन है, मैंने हाईवे पे ही ट्रिप ज़ीरो किया था, तो ये इस ट्रिप की माइलेज दिखा रही है। करंट माइलेज आप ऊपर देख सकते हैं, और नीचे जो है वो एवरेज दिखा रहा है ये कि 20.2 पे आ चुकी है। अभी देखिए टोल गेट 500 मीटर पे आ गया है, यहीं पे हम अपना क्रूज कैंसिल कर देंगे ताकि हमें ब्रेक ना लेनी पड़े और गाड़ी बिल्कुल न्यूट्रल में हो जाए। धीरे धीरे हम अपना टोल पे अप्रोच करेंगे। माइलेज जब आप निकालते हैं तो ऐसी कॉस्ट कटिंग्स करनी पड़ती हैं। ये देख लो भाई, ये फास्ट टैग लेन में ये खुद्दू लोग आ जाते हैं, वो ब्लैक लिस्टेड हो रखा है भाई का टैग। ये देख लो भाई, इनकी बेवकूफ़ी ने 20.7 को 18.2 पे ला के रख दिया है, टाइम ख़राब करा है, कम से कम 6 मिनट, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे, किसी भी टोल पे कोई सुनवाई नहीं है, इनको घंटा नहीं फर्क पड़ता क्या आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, इनको अपने 100-250 रुपए से मतलब है, वो ये बिना लिए बिना छोड़ेंगे ही नहीं आपको, जो मर्जी कर लो। लेकिन कम से कम एज अ सिटीजन आपको दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। इतने साल हो गए हैं फास्टैग को इंडिया में लगे हुए, उसके बाद भी आप लोग फास्टैग वाली लेन में खाली बैलेंस लेके आप घुस जाते हो, ये समझ से बाहर है मेरे। तो पीछे दुनिया वेट कर रही है कि आप चलो चलो चलो, उनका भी वो टाइम है। फास्टैग जब 10-10 मिनट लगाना ही है तो फास्टैग का मतलब क्या हुआ? और अभी तो उसके पीछे सिर्फ एक ही गाड़ी थी तो 10 मिनट लग गए। अगर मेरे पीछे 5-6 गाड़ियां और होती, कोई बिजी वाला टोल होता, तो आप इमेजिन कर लो क्या ही हाल होते हमारे। 9 किलोमीटर्स हो गए हैं पूरे, हमने माइलेज करते करते 20.8 पे दोबारा ले आए हैं, और गाड़ी 70 पे देख सकते हैं क्रूज ऑन है, लेफ्ट साइड पे चल रहे हैं। जिसने जाना है भाई निकल जाओ, हमारे को कोई जल्दी नहीं है आज, आज टाइम ही टाइम है। एक गाड़ी पीछे चल रही है, बिल्कुल अंदर ही घुसने को हो रहा है भाई, थोड़ा डिस्टेंस रख ले। को कट करते हुए आ रही है स्कॉर्पियो एन, यो सीरियस यार, ये है गाड़ी तो द बिग डैडी, सीरियसली बिग डैडी लगती है, क्या गाड़ी है, और 4x4 है, नाइस। माइलेज देख लो भाई 22.1, अभी सिर्फ 13 किलोमीटर चली है गाड़ी। ये आ गया हमारा फेवरेट स्पॉट पंडता दा ढाबा, लेकिन आज हम नहीं रुकेंगे, बाय बाय। तो एक छोटा सा रेजिडेंशियल टाइप्स एरिया शहर के बीच में से निकल रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रेक्स लगेंगे, देखना 22.5 है, आई थिंक के थोड़ी सी माइलेज ड्रॉप करेगी, सिर्फ इतने ही हॉल्ट में देखना, मैं छोट कम स्पीड पे क्रूज कर लेता हूँ, बढ़ रही है तो थोड़ा सा भीड़ का एरिया निकल जाएगा, तो फिर हम दोबारा से 70 पे आ जाएंगे, अपना रिज्यूम कर लेंगे। अभी ट्रैफिक है, सिटी लिमिट्स हैं, आई थिंक स्पीड लिमिट भी यहाँ पे कम ही होगी, वैसे नॉर्मल जिस हाईवे पे मैं चल रहा हूँ 80 की स्पीड लिमिट है यहाँ पे, तभी मैं 70-75 पे ही रहता हूँ, कुछ नहीं पता कौन स्पीड ट्रैप कहाँ पे खड़ा हो।
अरे नैनो बहुत ज्यादा ही एवरेज निकाल रही है। चलो जी, ये देखो 23 आ गई है भाई, 22.9। देखा जैसे एक्सेलेटर दिया, अब देखना धीरे धीरे जाती जाएगी नीचे, क्योंकि एवरेज अभी सिर्फ 16 किलोमीटर की एवरेज है, ये सिर्फ 16 किलोमीटर की एवरेज निकाल रहा है, इसलिए थोड़ी सी रेस देते ही माइलेज ड्रॉप कर जाती है वो, जैसे मैं उसको मेंटेन करूंगा वो फिर नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन जब ये 16 की जगह 160, 200, 250 हो जाएगा, फिर एवरेज को हिलने में काफी टाइम लगता है। ऑलमोस्ट ट्रैफिक खत्म हो चुका है, हम 70 पे आ चुके हैं, क्रूज ऑन। चलो जी भाई, कमाल हो गया, मेरा जो आज तक का रिकॉर्ड था वो 23.8 का था, ये अपने आप 23.9 पे आ गई है। कमाल कर दिया यार गाड़ी ने, और एक भी अभी तक तो स्लॉट नहीं गिरेगा। ऑब्वियसली मुझे पता है 100 किलोमीटर के बाद भी नहीं गिरेगा इसका पहला स्लॉट जो फ्यूल मीटर का है, लेकिन मजा लगा दिया भाई, पागल हो गई है। 24.1 पे आ गई है। ओ भाई क्या कर रही है ये देखो भीड़ आ गई दोबारा। ब्रेक्स लेने पड़ेंगे, गियर छोटा करना पड़ेगा, ये भाई रुकेगा कि नहीं रुकेगा पता नहीं। चलो 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 चलो, ओ गाना चल गया, कॉपीराइट्स आ जाएंगे। 24.2, आई डोंट नो यार, ये भाई ये डीजल नहीं है, पेट्रोल ही है, ध्यान रखना। तो भीड़ काफी है, ये तो खा जाएंगे भाई, सपने तोड़ देंगे सारे। कुछ बसेस हैं जी, कुछ हमारे बैल दादा है भाई, ट्रैफिक तो हैवी है। 24.3 पे दिखा रही है। मेरा जो अब तक का सबसे बेस्ट था वो 23.8 था, लेकिन लॉन्ग ट्रिप पे 240 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई थी, अभी भी मेरे पास शायद फोटो मिल जाएगी उसकी। तो 23.8 मैंने उसमें माइलेज निकाल ली थी। देखो जी 23.6 पे आ गए हम, ये सिटी ट्रैफिक की वजह से, देखा था आपने थोड़ा सा डेंस था ट्रैफिक, स्लो मूविंग बसेस, ट्रक्स एंड कुछ फुकरे एलिमेंट्स जो चलना ही नहीं चाह रहे थे। अब हम फिर हाईवे पे हैं, एक फ्लाईओवर से उतर रहे हैं, दैट मींस कि आप माइलेज देख सकते हैं फुल दिखा रहा है ऊपर, और 23.8 पे आ गए हैं दोबारा, नाइस। ये देखो स्लो स्लो सब चल रहे हैं, एक बंदा स्लो चलता है सबकी लंका लग जाती है। पराली दिख रही है भाई, पराली जल रही है, देख लो नजारे पोल्यूशन के। फ्रॉम हरियाणा टू दिल्ली विद लव, धुआं देख लो भाई। पचास किलोमीटर हो चुके हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। भाई डाइवर्जन्स आ गए हैं, सारी रोड की लंका लगी पड़ी है और हमारी माइलेज गिर चुकी है। 24.5 से हम आ गए हैं 24.3 पे, और अब जब हम एक्सेलरेट करेंगे तो और थोड़ी सी जाएगी नीचे। ये जब तक ग्रीन है आपको दिख रही होंगी दो रिंग्स स्पीडोमीटर के ऊपर, तब तक ये सही है। जैसे मैं थोड़ा सा पेडल दूंगा देखना ब्लू हो जाएंगे, ब्लू इज बैड, ग्रीन इज गुड।
पेंटू आ गया यार। तो इनकी देख लो, ट्रक्स की रेस देख लो भाई, रेस देखो रेस। ये देख लो, ओ ये ये 20 की स्पीड पे रेस कर रहे हैं भाई, देख लो। और ये पागल हॉर्न दबा रहा है पीछे से। किलोमीटर पर लीटर, 82 किलोमीटर हो चुके हैं ऑलमोस्ट, 35 किलोमीटर का रास्ता बाकी है। मुझे लगता है मैं 24 तक तो मेंटेन कर ही लूंगा। अंधेरा हो चुका है काफी, और ये पंजाब में मैं एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत धुआं है भाई, पराली जलने का क्या इलाज है, इसी का कुछ भी नहीं है। चौबीस पॉइंट चार किलोमीटर पर लीटर, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, 98.9, वही हम अपना 70 के आसपास चल रहे हैं भाई, और एक भी बार नहीं गिरा है। आप देख लो पेट्रोल का एक भी बार नहीं गिरा है। ऑलमोस्ट पूरा अंधेरा हो चुका है, 6:10 हो रहे हैं जी, 2 घंटे भी पूरे नहीं हुए हैं, तो मैं ठीक स्पीड पर चल रहा हूँ। 60 किलोमीटर पर आवर कवर करना इज अ नाइस स्पीड ऑन हाईवेज आई थिंक, जहाँ पे स्पीड लिमिट 80 की हो, और आज ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही डेंस है। तो मैं जी अपने डेस्टिनेशन की सिटी लिमिट्स में एंटर हो रहा हूँ। ये देखो हाईवे से नीचे उतर चुका हूँ, और यहाँ से मुझे एक लेफ्ट टर्न लेना है। क्रूज मेरा कैंसिल हो गया है, लेकिन 24.5 की एवरेज आप देख रहे हैं। ट्रिप है 110 किलोमीटर पे, आई थिंक 3-4 किलोमीटर मुझे और चलना है, और मैं कोशिश करूंगा कि शहर के अंदर ज़्यादा ड्रॉप ना होने दूं माइलेज। बाकी ये कोई रास्ता ही है, सिटी लिमिट्स देखते हैं। यहाँ पे पंजाब के चीफ मिनिस्टर का घर भी है, काफी इसी रोड पे है, नॉट सो फार, नजदीक ही है। अभी अगर दिखेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जी इनका सीएम हाउस, आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं, बट बैरिकेडिंग से पता लग सकता है। तो वी आर एट आर डेस्टिनेशन, ये हमारा घर है। पार्किंग की जगह ढूंढ लें, और भाई पहुंचते पहुंचते एक डॉट कम हो ही गया। 24.3 115.5 किलोमीटर पूरा टैंक, ये अपना घर, गाड़ी बंद। अब बाकी का आपको सुबह दिखाता हूँ। हाँ जी गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई, 6:53, ऑलमोस्ट 7 बजने वाले हैं। सुबह वार्म अप के चक्कर में 23.9 पे आ गए हैं, ठंड बहुत हो गई है, 16 डिग्री सेल्सियस दिखा रही है। मुझे थोड़ा रास्ता कवर अप करना पड़ा, हल्का सा तेज चल रहा था मैं 80 के आसपास, तो भाई ये फाइनल 23.4 मेरे ख्याल से यही मेंटेन रहेगा। बाकी कैलकुलेट करके बताते हैं, पेट्रोल पंप भी ऑलमोस्ट 3-4 किलोमीटर रह गया, सेम पेट्रोल पंप की सेम नोजल से फिलअप कराएंगे पेट्रोल टैंक पूरा ऊपर तक जितना पिछली बार कराया था, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे क्या रिजल्ट निकलता है।
ये आ गया जी पंप हमारा। पीछे कोई नहीं है। Let's do it. हाँ जी एक्सर, ऊपर तक कर देना पूरा। हाँ जी बस। आप ये ऑनलाइन करोगे? नहीं, कैश दे देंगे, कर देते। हाँ तो सकता है वैसे, है ना? और भी ना जी सर जी। तो आप देख सकते हैं 8.77 लीटर्स पेट्रोल आया है, 910 रुपए का एक्स्ट्रा प्रीमियम। डेट कहाँ गई, ये रही डेट 16/11, 8:50 हुए हैं, वहाँ पे भी 910 रुपये है। वैसे निकल गया था मैं पेट्रोल पंप से, लेकिन आपको दिखा दूँ कितनी चली है गाड़ी। तो अब टाइम मिला है थोड़ा सा कैलकुलेशंस करने का। ये स्लिप्स मैंने दोनों संभाल के रखे हुए हैं। ये मेरे ख्याल से टैंक फुल वाली है। हाँ, ये 3700 की ट्रांजैक्शन थी, मैंने टैंक फुल कराया था जो। और ये जो अब हमने माइलेज टेस्ट के लिए टैंक फुल कराया था, आप देख सकते हैं 8.77 लीटर्स आया है पेट्रोल 910 रुपये का। अब थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है जी, 232 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 8.77, कैन यू इमेजिन 26.45 1500 सीसी के इंजन से। हालांकि मैं बहुत स्लो चलाऊं, लेकिन क्या माइलेज है यार। अगर आपको कोई डाउट है या आपको कोई टिप्स चाहिए माइलेज निकालने के, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, या आपके मन में कोई डाउट है तो भी कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको फेक लग रहा है तो अपना कोई सोल्यूशन बताओ, मैं उस तरीके से भी आपको चेक करके दिखा सकता हूँ। ओके, थैंक यू।